सर हमने ना एक नया एक सेगमेंट शुरू किया है, तो होता क्या है नॉर्मली हम लोग सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स डालते हैं तो इतना टाइम तो होता नहीं कि हम लोग कमेंट भी पढ़ें, लेकिन जेन्युइनली जनता जो है हमारी बड़ी क्रिएटिव है और बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं उनके, तो हम चाहते हैं कि आपके सामने पढ़ें जरा प्लीज। ट्वेंटी सेवन ईयर्स ऑफ आंखें सर ने कहीं पोस्ट किया, बंदर इसलिए दुखी है क्योंकि इसे गोविंदा जी के सर पे जुए नहीं मिली। सर इस फिल्म में बंदर को अलग से रूम मिला था या चंकी पांडे जी के साथ शेयर करना पड़ रहा था? चंकी तो उसे टच भी नहीं कर रहा था यार, कमाल है। सर ये तो आपके सर पे चढ़ के बैठा है, इसका पेमेंट भी आपसे ज्यादा था? ये वाकई इसका फर्ड है, इतना खर्चे वाला होता था ये, मतलब इवनिंग में शुरू हो जाता दारू पीना है? हाँ हाँ, और कभी भी एंगल पे जंप नहीं मारता था, जितनी टाइम जंप मारता था साला मुझे एक साथ में नीचे निकलता था। अच्छा ये बात हमें चंकी सर ने बताया, हम माने नहीं थे ना। हाँ चंकी ने भी बोला था ये कि वो बंदर बहुत दारू पीता था, इतना दारू पीता था, बापरे बापरे। क्या पहली बार बेवड़ा बंदर देखा मैंने, बेवड़ा बंदर। हो सकता है ये आदमी हो, शराब पी पी के बंदर बन गया हो। अच्छा लिखा भी है किसी ने, सुना है ये बंदर पीता था, कौन सी पीता था सर, इंग्लिश या देसी? इन्हें लिखा बंदर भी सोच रहा होगा बड़े काम का बंदर बोल के सारे काम मुझसे करवाए जा रहे हैं। ओह ये कब हुआ? सर ये वैक्स वाले का नंबर अनिल कपूर को भी दे दो। अरे बाप रे, आगे क्या क्या लिखते हैं लोग, दो दिन के लिए बॉडी उधार मिलेगी क्या? गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना है, बख्शते नहीं है साले। आगे सर अपनी फोटो भेज रहा हूँ, मेरी भी ऐसी बॉडी करवा दो, डोले 22 इंच रखना, 22 इंच रखना, जैसे कि मतलब मेड टू मेजर, टेलर को भेज रहे ना। 22 इंच। ओहो अहमदाबाद मजा पड़ी गई, वाह सर आपकी प्लेट में पूरी है, रोटी है, दाल है, रायता है, पनीर की सब्जी है, आलू पालक है, पुदीने की चटनी है, अचार है, सैलड है, कचौरी है, बस एक कटोरी खाली है, उसमें क्या था? क्या था? अच्छा लोग डिटेलिंग में जाते पूरा। सर प्रेशर मत लो, ये खाना पैक भी करके दे देते हैं। अच्छा खानी पड़ती है पूरी थाली? नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। अच्छा पूरी दुकान लगी हुई आगे ना। और ये अहमदाबाद का है ना, दिस इज अ स्पेशल प्लेस। चश्मा पहन के मत खाओ सर, येलो दाल को दाल मखनी कह के खिला देंगे। फिल्में कितनी भी हीरोइंस के साथ कर लो, ऐसी थाली आदमी बीवी के साथ ही खा सकता है। सर दो थाली के चक्कर में आपकी 25 फोटो खींच ली, वैसे थाली कॉम्प्लीमेंट्री थी या आपको भी बिल देना पड़ा? ठीक है आगे। मुझे क्या चंकी पांडे समझ रखा है? चंकी तो बिना पे किए निकल जाता। कि चार फोटो ले ली ना, बस हो गया। ससुराल में भी ऐसी खातिरदारी होती है क्या? नीचे रिप्लाई किया किसी ने, बंदा सुपरस्टार है, ऐसी खातिरदारी होती होगी। एक ने लिखा मैम कुछ नहीं खा रही, लिपस्टिक खराब ना हो जाए। When life gives you Monday, dip into glitter and sparkle all day, I'm back in a beast mood. वाह वाह। सर ये क्या लिखा है आपने, जरा हिंदी में बता दीजिए। वैसे क्या मतलब है गोविंदा सर इसका पूरा? इतना अच्छा मैं लिख पाता तो फिर क्या बात। किसी ने लिखा सर जी ये जो जूस में छतरी लगा के देते हैं, इसका बाद में क्या करते हैं? वो बारिश में लेके जाते हैं। आगे ठंडा पीने से घबरा रहे हैं, अगर आपके की दांतों में झंझनाहट की समस्या है तो सरसों के तेल में लौंग गर्म करके दांतों में लगाएं, अच्छा टाइम पास होगा, दांत का पता नहीं। किसी ने लिखा है आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है 60 वाला 90 बन गया। ये तो अर्चना जी का फैन है कोई। चुप कर। अरे वाह, लवली पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर, वेरी नाइस। सर आप भी थोड़ा पकड़ लीजिए ना, आप ही की है। गुड वन, गुड वन, आप ही की है।
किसी ने कहा शादी में आए लगते हो, फोटो के चक्कर में खाना खत्म ना हो जाए। सर जी फोटो खींचने वाला चश्मे में दिख रहा है। अच्छा लोग बड़ा डिटेलिंग में जाते हैं। बहुत ज्यादा हमारे पास, हम लोग ऐसे पोस्ट कर देते हैं लेकिन लोग क्या क्या पॉइंट करते हैं उस फोटो में, है ना? सर बीवी तो साथ में खड़ी है, चश्मे की आड़ में किसे देख रहे हो? अच्छा किसी ने लिखा सर मैं भी ऐसी ही फोटो खिंचवाना चाहता हूँ लेकिन मेरी बीवी मुझे पास ही नहीं आने देती। नीचे रिप्लाई आया तू डीओ लगाया कर, बोल नहीं पाती होगी तुझे। ओहो वाह, ओह माय गॉड, तू डीओ लगाया कर। आप बीवी के साथ चिल भी कर लेते हो, हमारा तो थ्रिल ही खत्म नहीं होता। कोई होगा बेचारा काम के बोझ का मारा। अच्छा पिछली बार गोविंदा सर जब हमारे शो पे आए थे, इन्होंने बोला था कि भले ही मैं तुम लोगों को ऐसे शो ना करूं कि मैं रोमांटिक हूं या नहीं, लेकिन अंदर से मैं बहुत रोमांटिक हूं। एक आपका छोटा सा टेस्ट लेना है, आपको मैडम की आंखों में देखना है और आपको भी पलक आपने नहीं झपकनी है, हम आपको पूरा पीछे से फील देंगे और जिसने पहले पलक झपकी वो समझो हार गया। फील क्या दोगे? फील हम देंगे आपको। हम म्यूजिकली आप स्टार्ट करिए, हम आपको फील देंगे म्यूजिकली फील। कौन जीतेगा? टेढ़ा नहीं कर देगा, चीटर है एक नंबर का। मैं 13 साल का था, बच्चा था उस टाइम पे, तो मेरी मॉम मुझे आसन ले आई, माला ले आई और आके बैठा दिया भगवान के सामने और कह रही है कि गोविंद आज से तुम ही मेरी मम्मी हो ना। तो मैंने कहा कि क्या कह रही हैं आप, मैं तो बच्चा हूँ आपके, तो मुझे ये पूरा घर परिवार तेरा ही बच्चा है। तो मुझ में वो उनकी वजह से ना, उनकी जो सोच जो थी उसकी वजह से वो थॉट ही आ गया है। तो इसकी तरफ मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो हम लोग सब दोस्त हुआ करते थे और फिर विवाह हो गया, परंतु मैं इसकी तरफ ऐसा देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आज तक बड़ी ही नहीं हुई है। तो आप मुझे बच्चा बोल रहे हो? तो आप बच्चा, तो आप बच्चा जवान हो गया, शादी करवा दे। मुझे प्रॉब्लम नहीं, तू देख ले। अच्छा मैंने तो कहीं सुना था कि आपने किसी शो में ऐसे कहा था कि गोविंदा अब मेरे पति हैं लेकिन अगले जन्म में चाहूंगी कि ये मेरा बेटा बन के जन्म लें। रियली? कसम से यार। पर आपने सच्ची में ऐसा बोला था? ये बात तो सही है। पर ऐसे क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि चिच्ची अच्छे पति है, बट बेटा इसके ऐसा होना चाहिए। रियली? अरे इसके साथ बेटा तो नसीब से। अभी मेरा बेटा भी वहाँ बैठा है, मेरा बेटा भी मुझे बहुत प्यार करता है, बट इसके ऐसा बेटा तो यार, इसलिए मैंने बोला भैया अब ये जन्म भी काफी है बेटा, अगले जन्म में बेटा। नॉर्मली जो बहुत अच्छा बेटा होता है बीवियों को ज्यादा अच्छा नहीं लगता। जनरली तो ऐसा ही होता है। हाँ नहीं नहीं नो नो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि चिच्ची ऐसा बेटा तो आज तो मैं दुनिया में नहीं देखा होगा। हर बर्थडे में अपनी माँ का पैर धो के मैंने देखा आग से पिया हुआ। वंडरफुल चिच्ची। जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन इन्होंने पहली बार यही बोल दिया, शादी के दिन देखो अभी इस घर में तुम आई हो वही चलेगा जो मेरी माँ बोलती है जब तक मेरी माँ है। अच्छा क्या बात है, सो स्वीट। और मैंने भी इनको इतना प्यार किया था मैंने एक शब्द नहीं निकाला। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।